नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट खाली की थी। झारखंड और महाराष्ट्र उपचुनाव के साथ देश में केरल, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के खाली सीटों पर चुनाव कराए जा रहे हैं। केरल में वायनाड लोकसभा सीट पर राहुल गांधी जीते थे, परंतु राहुल गांधी जीते उन्होंने रायबरेली से भी चुनाव जीती थी और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया था। इससे ठीक बाद कांग्रेस ने संकेत दिया था कि जब चुनाव होंगे तब उस सीट पर प्रियंका लड़ेंगी। लोकसभा में प्रियंका के आ जाने से कांग्रेस को अपनी आवाज़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। बिहार के 4 विधानसभा सीट पर और उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं। ज़्यादातर सीट उन लोगों ने खाली किए हैं जो लोकसभा में चले गए हैं। बिहार के पालीगंज सीट को CPIML के सुदामा प्रसाद ने खाली किया था। श्रीनगर के राजभवन में उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उप मुख्यमंत्री जम्मू के हिंदू नेता सुरेंद्र कुमार को बनाया गया है। आपको बताते चलें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उस वक्त वहां मौजूद थे। कांग्रेस का कोई मंत्री नहीं, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस से यदि मतभेद होता है तो लड़के राहुल गांधी और प्रियंका वहां नहीं आते। मंत्रिमंडल में 6 सदस्य शामिल हुए हैं और अन्य 9 स्थान अभी खाली हैं। जम्मू के रजौली क्षेत्र के नौशेरा विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए सुरेंद्र कुमार को सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हिंदू राजनीतिक क्षेत्र से संतुलन बनाने का ये प्रयास है। भागलपुर में एक आदमी सांप का मुंह दबोचे हुए अस्पताल में लेकर आ गया। भागलपुर में सांप के मुंह से आदमी और आदमी के हाथों में सांप का मुंह जैसा अजीब नजारा आ गया है। प्रकाश मंडल उसी सांप के मुंह को अपने हाथ में दबोचे हुए भागलपुर अस्पताल में पहुंच गए जिस जहरीले सांप ने उन्हें डसा था। बाद में वह व्यक्ति थक कर गिर गया, तब उसके हाथ से सांप को हटाकर इलाज शुरू करा गया। प्रकाश मंडल खतरे से बाहर नहीं आया था। अरे उसको पकड़, उसको बदवाएगा तब ना कोई, उसको रखेगा पकड़ेगा तब ना कोई देखेगा, सर कैसे देखने आएगा। NSS का आंकड़ा आया है। बिहार में काम करने वाले 15 से 29 वर्षों का यह सर्वे है। एक बिहारी व्यक्ति ना तो किसी काम में लगे हैं, ना तो कोई पढ़ाई या ट्रेनिंग कर रहा है। बिहार के 32% युवक युवती ना तो किसी रोजगार में हैं और ना ही कोई पढ़ाई या ट्रेनिंग कर रहे हैं। यानी वयस्क आबादी का 1/3 किसी काम में नहीं लगा है। इनमें लड़कियां तो आधे से अधिक रोजगार, पढ़ाई या ट्रेनिंग नहीं कर रही हैं। 9.5% 15 से 29 वर्ष के पुरुष ऐसे हैं जो किसी रोजगार में या कहीं पढ़ाई में या किसी ट्रेनिंग में नहीं लगे हुए हैं। बेरोजगार या बिना पढ़ाई के लड़कियों की संख्या लड़कों से 5 गुना से भी ज़्यादा है। औसत आंकड़ा 1/3 का है, देश में ये आंकड़ा थोड़ा कम है। देश में इस उम्र के 1/4 यानी 25% लोग ऐसे हैं। NSSO आंकड़ा इसलिए लिया जाता है ताकि सरकार और अन्य संस्थाएं ठीक ढंग से योजना बनाएं। खनिज पदार्थों पर संशोधन किया गया है। खनिज की चोरी रुकेगी और खनिज की चोरी करने वालों पर 5 साल का गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। खनन को मदद मिलेगी। बिहार के कैबिनेट ने खनिज निकालने की तैयारी कर ली है। उप मुख्यमंत्री VS सिन्हा ने प्रेस संबोधित किया, इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसा। खनिज नियमावली संशोधन विधेयक को बिहार मंत्रिमंडल की मोहर लग गई है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने खनन काम में तेजी लाने के लिए इस संशोधन का जिक्र किया है। मीडिया के लोगों के बीच विजय सिंह प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। मीडिया वालों का सवाल लेकर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में आभार यात्रा करने के लिए घूम रहे हैं। विजय सिन्हा ने इस विषय पर ज़रूरत से ज़्यादा निंदा भावना दिखाते हुए विपक्षी दल के नेता के अभियान का मजाक उड़ाया। फिर से जो शुरू हो रहा है उसको लेकर के ड्रोन से तो
हम लोग उसकी निगरानी करेंगे ही। इतना राजस्व जब हम 1000 करोड़ का राजस्व सरकार को देंगे तो हेलीकॉप्टर से भी निगरानी खनन विभाग करेगी और उसकी पूरी मॉनिटरिंग और जानकारी पूरे हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी ये अवैध खनन का मॉनिटरिंग होगा, उसका वीडियोग्राफी और उसको अंकुश लगाने के लिए सरकार पूरी सजगता से हम लोग तैयार हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अवैध काम अवैध माफियाओं पर अंकुश लगाने का जो उनका संकल्प है और देश के प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने का, ये बिहार में साकार होगा। मंत्रिमंडल ने पर्यटकों के लिए खास पैकेज की घोषणा की। बाघ तेंदुआ गैंडा देखने का कम पैसों में बंदोबस्त किया गया है। इसके साथ ही पर्यटन का सीजन शुरू हो गया है। पटना से मुजफ्फरपुर और वैशाली के रास्ते वाल्मीकि नगर की यात्रा 2 दिनों में कराई जाएगी। लोगों के ठहरने के इंतजाम, भोजन और रास्ते की सारी व्यवस्था का खर्च घोषित किया गया है। पर्यटन सफारी में लोग बाघ, तेंदुआ, गौड़, गैंडा इत्यादि आसानी से देख सकेंगे। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और पर्यटन का सीजन शुरू हो रहा है। टूरिज्म विभाग में बताया गया है कि 5 वर्ष से 9 लाख से अधिक पर्यटक, जिनमें विदेशी पर्यटक भी हैं, यहां आ चुके हैं। एक पैकेज टीम में यदि 6 लोग होंगे तो प्रति व्यक्ति के 2 दिनों के टूर के लिए 4500 रुपये लगेंगे। ज़्यादा लोग होंगे तो प्रति व्यक्ति 3500 या 3900 लगेंगे। मोदी सरकार ने MSP बढ़ा दिया है। 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 200 रुपये बढ़ गई है। किसानों के लिए मोदी सरकार का इस सीजन में बहुत बड़ा तोहफा है। गेहूं के अलावा जौ, चना, मसूर, सरसों और केसर MSP दर को बढ़ाया गया है। मसूर पहले 5650 की दर से खरीदा जाता था, अब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य दर 5950 देगी। पहले इसकी 300 रुपये कम दर पर खरीद होती थी। तो ये था खबरों का बुलेटिन। आप हमारे खबर को देख सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश विमर्श स्टूडियो से धन्यवाद।